पीएम मोदी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान पर चर्चा हुई। एक महीने में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा थी। यूक्रेन के साथ भारत की एकजुटता के प्रतीक के रूप में एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की के कंधे पर अपना हाथ मजबूती से रखा और रूस के साथ संघर्ष को लेकर भारत के समर्थन पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संघर्ष खत्म करने की पहल की। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन डिलीवर के क्वेड लीडर शिखर सम्मेलन के लिए जापान के प्रधानमंत्री फुफिया किशिदा, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ का स्वागत किया। पीएम मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकी की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की मेरी यात्रा में परिणामों को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति एवं बहाली के भारत के समर्थन को दोहराया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने यहां एक विशेष संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया कि बैठक के दौरान ज़ेलेंस्की ने भारत द्वारा यूक्रेन में संघर्ष पर ध्यान दिए जाने की सराहना की और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को लेकर उन्हें धन्यवाद भी कहा। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।